और अब बात आज की बड़ी खबर की, स्पॉट फिक्सिंग पर जो मुदगल कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें जो नाम है उनमें से चार नामों का खुलासा आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। खुद श्रीनिवासन, उनके दामाद सुंदरामन और राजकुंद्रा। आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन, श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राजकुंद्रा और आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन। क्रिकेट जगत की इन चार बड़ी हस्तियों के नाम का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन अभी इस बात का पता चलना बाकी है कि आईपीएल फिक्सिंग केस में इनकी भूमिका क्या थी। आज सात नाम बताया गया, तीन प्लेयर्स का और तीन अधिकारी लोगों का और पांच बड़े खिलाड़ियों लोगों का नाम अभी होल्ड पे रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुल नौ खिलाड़ियों के भी नाम है, जिसमें से तीन नाम अदालत में आज लिए भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नामों को सार्वजनिक न करने का फैसला किया है। इन चारों नामों के सामने आने के साथ ही बीजेपी ने श्रीनिवासन पर नए सिरे से हमला बोलना शुरू कर दिया है। उस समय के बोर्ड के चीफ श्रीनिवासन के दामाद मैयप्पन और आईपीएल के चीफ सुंदर राजन, इन दोनों का नाम आ गया है। अब मुझे बताइए क्रिकेट की व्यवस्था रह क्या गई है। आपको बता दें कि आईपीएल फिक्सिंग केस की जांच कर रही मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में 13 लोगों के नाम सौंपे थे। अब चार लोगों का नाम सार्वजनिक हो चुका है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज तीन खिलाड़ियों का नाम भी सामने आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक नाम के खुलासे पर रोक लगा दी। इस तरह अब नौ नाम खिलाड़ियों के हैं जिनके नाम का खुलासा होना बाकी है। जाहिर है जब कभी वो नाम सामने आएंगे क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जी एस विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, ये जो चार नाम आए हैं, अब इनका रोल क्या है, क्या क्या रोल पता चला है श्रीनिवासन का, मैयप्पन का, राजकुंद्रा का, सुंदरामन का? किशोर, हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं वो अपने चार पार्टीज के पास नहीं पहुंचा है, सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन सूत्रों के आधार पर हमें ये पता चला है कि चारों के खिलाफ बहुत अच्छा एविडेंस, बहुत सब्सटेंशियल एविडेंस माना गया है। खासतौर पर सुंदर रमन जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आईपीएल, सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि सुंदर रमन ने अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया और सबसे ज़्यादा और जो बड़ा उनके अगेंस्ट एविडेंस है वो ये है कि उन्होंने गुरुनाथ मैयप्पन को, जो कि श्रीनिवासन के दामाद हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के एक ऑफिशियल भी है, उनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन पास किया बाकी टीमों के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में तो उनको खुद पता था, लेकिन बाकी टीमों के बारे में जो कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन कहाँ खेलेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पास किया है, ऐसा एविडेंस उनको मिला है। साथ में सुंदर रमन के खिलाफ ये भी है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया कि जो अंपायर्स हैं उनकी स्पेसिफिक अंपायरों की पोस्टिंग की गई और खासतौर पर जो ड्रॉ है वो इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया ताकि एक किसी ना किसी एक टीम को फ़ायदा पहुँचाया जाए। और सुंदर रमन, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा किशोर, कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के जो एक्चुअल ओनर हैं जो कि इंडिया सीमेंट्स, उसके एक एम्प्लॉई भी हैं। और जहाँ तक बात गुरुनाथ मैयप्पन की है, उनके खिलाफ एविडेंस बहुत साफ और बहुत सीधा उनके खिलाफ जो है वो आरोप है। सूत्रों के हिसाब से उन्होंने ये पता चला है कि गुरुनाथ मैयप्पन को जो है बैटिंग और बैटिंग के एविडेंसेस उनके पास आए हैं। राजकुंद्रा के खिलाफ ये केस ऐसा लग रहा है कि जाएगा कि उन्होंने मालिक होने के बावजूद उनके पास ऐसे दोस्त थे, उनके ऐसे लिंक्स थे जो कि बुकी से, और उन्होंने अपनी टीम के किसी भी प्लेयर को रोका नहीं और बहुत सीधे तौर पे एक्सेस, एक इजी एक्सेस दे दिया गया जो कि आपके ऑपरेशन रूल्स के काफ़ी खिलाफ है। और जहां तक बात श्रीनिवासन की है, बात उनके खिलाफ सुनने में ऐसा आया है कि सिर्फ ऐसे आरोप हैं कि उन्होंने अपने बीसीसीआई पोजीशन को जो है ठीक तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया और उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं करी कि इन सब चीज़ों का सफाया किया जा सके। किशोर जी, यानी कि जो बड़ी बात आप बता रहे हैं, बड़ा खुलासा यहाँ विवेक कर रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि सुंदर रमन का आरोप यह है कि उन्होंने ड्रॉ तक को कि कौन सा मैच कहाँ होगा, कैसे होगा, वो जानकारी तक मैयप्पन को दी, एम्पायर कौन से होंगे वो जानकारी वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की, दूसरी टीमों की जानकारी देने की कोशिश की, ये आरोप हो सकते हैं सुंदर रमन के खिलाफ। तो ये बड़े नाम जो आज जिनका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है।